आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस मलाई के साथ मैं तीन चीज़ें बना सकती हूँ। एक तो मलाई से मैं मक्खन निकाल सकती हूँ, मक्खन से मैं पनीर निकाल सकती हूँ, और पनीर से मैं इसका जो पानी होता है उससे हम आटा भी गूंथ सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगी कि मक्खन कैसे निकालेंगे। इस हैंडी के ज़रिए हम मक्खन को निकालेंगे। गर्मियों में हम इसको थोड़ा ठंडा पानी डाल के मक्खन निकालते हैं। सर्दी का मौसम है तो हम उसमें हल्का सा गर्म पानी करके कर सकते हैं। मैंने ठंडा डाला है। अब ये देखो, हमने मक्खन निकाल लिया, मक्खन अलग हो गया, इसका पानी अलग हो गया। अब हम इस मक्खन को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखो, अब मैंने मक्खन को अलग कर दिया और जो मक्खन के साथ जो लस्सी थी उसको अलग कर दिया। अब इसी लस्सी से हम पनीर बनाएंगे। अब हमने इसको गैस पर चढ़ा दिया है, लस्सी को। अब इसमें या तो हम दही डालेंगे, अगर दही नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं। ये हमने इसमें नींबू डाल दिया और अब इसके फटने की वेट करेंगे। अब ये देखो, हमारा इसमें अब पनीर अलग हो गया और पानी अलग हो गया, जैसे हमारा मलाई में मक्खन अलग और लस्सी अलग हो गई थी। ये देखो, अभी देखो हमने पनीर को अलग कर दिया, बहुत सॉफ्ट है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये पनीर का जो हमारा पानी है इसको भी नहीं हम फेंकेंगे, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने जब आटा गूंना है, इस पानी से हम आटे को गूंनेंगे तो आटा एकदम नरम बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट होएगा। थैंक यू।